Hi guys, welcome to my channel Being Chefs. So guys, आज मैं कुछ और अपडेट्स के साथ आया हूँ. Really sorry कि आपने मेरी अगर मुझे दो दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई. लेकिन guys, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो पसंद ज़रूर करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा. और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप मेरी कोई भी टिकटॉक मिस कर देते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरी कोई भी टिकटॉक देख सकते हैं. तो बात करते हैं पहले अपडेट की गाइस. तो आ रहा है आईपीएल का सीज़न है गाइस, आईपीएल चल रहा है और ऐसे में ये हो नहीं सकता कि रिलायंस जियो जो है वो पीछे रह जाए. तो उन्होंने एक क्रिकेट डेटा पैक निकाला है आईपीएल को रखते हुए और जिसमें आपको 102 GB डेटा मिलेगा गाइस 51 डेज़ के लिए. जी हाँ, यानी आप 2 GB डेटा हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर 2 GB आपका एग्जॉस्ट हो जाता है गाइस, तो वो 64 KBPS स्पीड पे आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं. शोर तो काफ़ी कंपटीशन हो गया अब रिलायंस जियो को लेके. बात करें अगले अपडेट की तो आ रहा है गाइस xiaomi की तरफ से, जिन्होंने भैया कॉर्डलेस एक स्टीम आयरन मार्केट में निकाली है और इसका जो प्राइस है वो करीबन 199 का है, यानी 2200-2100 रुपये का ये इंडियन प्राइस होगा. 2000 वॉट की ये कॉर्डलेस आयरन स्टीम या प्रेस है ये, जो आपके भैया कपड़े जो भी हैं ढंग से प्रेस कर सकते हैं. ऐसे xiaomi में देखा जाए तो सब कुछ निकाल रही है, कपड़े भी निकाल चुकी है, प्रेस निकाल रही है xiaomi. अभी ये कुछ भी कर सकते हैं. बात करते हैं अगले अपडेट की गाइस. तो आ रहा है ट्विटर की तरफ से गाइस, जिसमें मनीष महेश्वरी जो कि एक नए MD चुने गए हैं ट्विटर के इंडिया के लिए. तो जी, अब हमारे को नए MD मिल रहे हैं मनीष महेश्वरी, जो कि ट्विटर के नए MD हैं, वो भी इंडिया के पार्ट को लेके. बात करते हैं अगले अपडेट की गाइस. तो अगला अपडेट आ रहा है बात करें अगले अपडेट की गाइस. तो आ रहा है फिर से रिलायंस की तरफ से. जी हाँ, मार्च के डेटा गाइस बाहर आ गया टेलीकॉम अथॉरिटी के द्वारा और ऐसे में रिलायंस जियो ने फिर से बाजी मार लिया गाइस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 22.2 MBPS स्पीड की स्पीड से पर सेकंड डाउनलोड स्पीड है इसकी और इन्होंने टॉप करा है चार्ट. ऐसे में आप बताइए कि क्या आपको ये स्पीड मिलती है या फिर ये ऐसे ही डेटा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. बात करेगा इस पबजी की, तो गाइस पबजी राजकोट में तो बैन हो ही गई थी लेकिन अब नेपाल में भी ये पूरी तरीके से बैन कर दी गई है, क्योंकि ये वायलेंट हो रही थी वहाँ भी. वहाँ के बच्चे भी इसको खेल के वायलेंट हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी उनके बीच में. और ऐसे में पबजी अब जो है वह नेपाल में बैन कर दी गई है. बात करें लास्ट अपडेट की तो गाइस टिकटॉक की तरफ से ही आ रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइस बोला है कि ये प्रॉपर तरीके से बैन नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके इतने एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, यानी करीबन मंथ में 5.2 करोड़ मिलियन यूज़र्स हैं. बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है टिकटॉक का. और ऐसे में जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी डाउनलोड करके बैठे हैं या फिर किसी भी अनयूजुअल तरीके से वो फिर भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसका, तो मेरे हिसाब से टिकटॉक बैन करना इतना आसान नहीं है जब तक कि बहुत ही बड़े कदम उठाए ना जाए. तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो और अगर पसंद आई है गाइस तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस.